नमस्कार डी आर वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी, इस वक्त हम मौजूद है कुर्ला के बुद्ध विहार में, जहां पर कराओ के सिंगिंग स्टूडियो का आज आमदार मंगेश कुडालकर जी के हाथों उद्घाटन हुआ। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज आपने स्टूडियो का उद्घाटन किया? हमारी महिला शाखा संगठक सुशीला गांगुर्डे, इनके माध्यम से आज कुर्ला में पहली बार कराओके सिंगिंग स्टूडियो का ओपनिंग आज यहाँ पे संपन्न हुआ है। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि स्टूडियो के माध्यम से कुर्ला के जो कलावंत है, आर्टिस्ट है, उनको प्राधान्य मिलेगा और अच्छा अच्छा सॉन्ग भी हमें सुनने को मिलेगा। इसका सभी जो आर्टिस्ट रहेंगे सिंगिंग के, जिसमें रुचि है, गायन में जिसकी रुचि है, उस उन्होंने इस स्टूडियो में आके सहभाग लेना बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट टाइम उन्होंने बहुत ही मेहनत करके यह स्टूडियो उन्होंने चालू किया हुआ है, उसको आप सभी प्रतिसाद अच्छी तरह से दे, यही मेरी विनती है। धन्यवाद। सर, आपको कुर्ला का विभाग प्रमुख बनाया गया है, तो कुर्ला विभाग के लिए क्या क्या खास योजनाओं की तैयारियां हैं, वो सब बताइए। सबसे पहले तो कुर्ला विभाग जो अपना है, उसे हमें स्वच्छ, सुंदर, विकसनशील और सुरक्षित बनाना है, और इसीलिए मेरी सब तैयारी चालू है। कुर्ला का विभाग रहें दो, कुर्ला वेस्ट रहें दो, कालीना, वाकोला, तलक, जो भी विभाग है, उस सभी विभाग को लेकर हमें मेहनत करनी है। सभी कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी भी साथ में है, और सब लोग मिलकर अच्छी तरह से जो जो काम हमें माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के माध्यम से हमें मिलेंगे, वो सब काम हम यहाँ पे करेंगे। विशेष रूप से अभी आपने देखा रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प छोड़ा हुआ है कि कुर्ला अपने मुंबई के सभी शौचालय, उसके रिपेयरिंग करना, उसको दुरुस्ती करना, विशेष रूप से महिलाओं की जो शौचालय रहेगी उसको प्राधान्य देना, बाद में जो रोड्स रहेंगे, जो वाहतूक बेट रहेंगे, उसको सुशोभीकरण करना, यह सभी काम उन्होंने लिया हुआ है। और मेरे और रोड भी आपने देखा रहेगा, जो मुंबई के सभी रोड है, उस रोड को भी सीमेंटीकरण करना, डामरीकरण करना अच्छी तरह से, कि आगे जाके बारिश में वापिस हो खड्डे होकर उसको रोड सब खराब हो, ऐसे टेक्निक न करता, अच्छी टेक्निक के इस्तेमाल से हम रोड बनाते, ऐसे उन्होंने संकल्पना छोड़ी है। और भी बहुत सारे काम है जो हम आगे जाके करने वाले, एक संकल्प है कि अच्छी तरह से, क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार सभी की है, सामान्य नागरिकों की सरकार है, कामगारों की सरकार है और शेतकरों की है, इसीलिए सभी को न्याय दे के सबको साथ में लेके हम लोग चलेंगे और अच्छा काम मुंबई में तो, महाराष्ट्र में तो करेंगे, लेकिन कुर्ला विधानसभा में, कुर्ला कालीन विधानसभा में हम अच्छी तरह से काम खड़ा करेंगे, ये हम कहते हैं। सर, बहुत से लोग मतलब शिंदे गुट में जुड़ रहे हैं, तो फिर आपके विभाग में, आपके आपके गुट में जुड़ने के लिए, तो आपकी इसके इसके लिए क्या योजना है, वो बताइए। इसके लिए योजना की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम देख के सब आ रहे हैं और विशेष रूप से सब नागरिक भी बहुत खुश हैं हमारे काम से, तो ज़रूर उस काम को देखते ही आगे आगे जाके हमें सफलता जो मिलने वाली है, इसके लिए हमें योजना बनाने की ज़रूरत नहीं, सब अपने आप सब जुड़ते जा रहे हैं। सुषमा अंधारी जी का हाल ही में पत्रकार परिषद में एक बयान जारी हुआ था कि 4-6 महीनों में सिंधे सरकार तो गिर जाएगी, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे ऐसे किसी के कहने से सरकार नहीं गिर जाती है, अभी की सरकार जो मजबूत सरकार है, और सरकार कब गिर जाती है, जब अल्पमत में सरकार जाएगी, लेकिन हम तो एक हमारे नेतृत्व तो मुख्यमंत्री शिंदे साहब हैं और उधर के नेतृत्व तो देवेंद्र जी फडणवीस है, और दोनों भी अच्छी तरह से टीमवर्क में अच्छा काम कर रहे हैं, तो गिरने का सवाल ही नहीं, इसकी वजह से राजकारण है, दूसरा क्वेश्चन। अंधारी जी ने एक और बयान जारी किया था कि वहाँ के जो नाराज आमदार है वो हमारी पार्टी में आ जाएंगे, मतलब आपके साइड के जो नाराज वो हमारी पार्टी में आ जाएंगे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऐसा तो नहीं है, और नाराज तो कुछ भी नहीं है ऐसा, ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि बाबा इस तरह का व्यवहार इधर चलता है, इधर के मतलब लोगों को गुमराह करना, इसके लिए बात है, बाकी कुछ नहीं। सर, जब से आपकी सरकार आई, आप आए दिन मतलब कुछ ना कुछ उद्घाटन करते रह रहे, तो सरकार से किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है आपकी सरकार से, वो बताइए। माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब और देवेंद्र जी ने बहुत ही अच्छी तरह का मैंने पहले कहा था ना, ये जो सरकार है ये सब अपनी सरकार है, और यही मुद्दा लेके हम लोग सब साथ में चले, और मेरे जो प्रश्न थे जो पिछले महाविकास आघाड़ी की सरकार में मेरे पूर्ण नहीं हुए, और इसीलिए जो मेरे प्रश्न अधूरे थे वो सब लेके मैं चला हूँ, और सभी के लेके माननीय शिंदे साहब और देवेंद्र जी सकारात्मक है, मेरे कुछ मुद्दों को भी उन्होंने छुड़ा दिया है, माड़ा के कुछ जीआर भी कैंसिल किए हुए, और कुछ मुद्दे रह गए तो उसके लिए मीटिंग भी चालू है, और मेरे ख्याल से 1-2 महीने में सभी मुद्दे जो मैंने लिए थे वो मुद्दे कुर्ला विभाग के लिए और सभी मुंबई के लिए भी, क्योंकि मैं कुर्ला विभाग के लिए अगर कुछ लेता हूँ तो मुंबई के लिए भी वो निर्णय होते हैं, जैसे कि माड़ा, कलेक्टर लैंड, वाड़ी एस्टेट की जगह, ये जो मुद्दे सब है बहुत सारे बड़े बड़े, तो वो सब मुद्दों को लेकर मैंने पहले से 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, और आगे भी जाके
मेरे ख्याल से शिंदे साहब उसको बहुत ही अच्छे और तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे और आगे जाके मुझे वो सभी मुद्दे का निकालो लगाएंगे ऐसा मुझे अपेक्षा। सर जो मोरबी में इतनी बड़ी जो ब्रिज की घटना हुई है तो फिर आप ये जो कुर्ला विभाग है इसमें जितने भी जूने ब्रिज है उसको लेकर क्या कुछ कार्य हो रहे या फिर कुछ कुछ क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं वो बताइए। कुर्ला ऐसा नहीं, सिर्फ मुंबई के सभी ब्रिज जो है उसका उसको अच्छी तरह से उसकी देखभाल करनी चाहिए। जो भी अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा सभी ब्रिजेस ये BMC को हैंड ओवर हुए, तो मैं माननीय आयुक्त अभी कल ही मैं आयुक्त साहब के पास जाने वाला हूँ कुछ मुद्दों को लेकर, तो तभी मैं आयुक्त माने आयुक्त को भी विनती करूँगा जो भी ब्रिजेस अगर खराब रहेंगे तो उसको ऑडिट करके उसको देखभाल अच्छी तरह से करना चाहिए।